हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। मैं सारी वीडियो में यही बोलती हूँ कि इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि होती है इम्पॉर्टेंट। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो आप सब लोग अभी हाल अपने माइंड में सोच रहे होंगे। तो मैंने उसी चीज़ पर ही अपना वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग ये देखना चाह रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, पहले मैं बता तो दूं आप लोगों को मैं बताने क्या वाली हूँ। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। आप लोगों का रिजल्ट आ चुका होगा, हो सकता है कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनके मार्क्स कम आए होंगे किसी एक सब्जेक्ट में और उस वजह से उनका परसेंटेज बिगड़ रहा होगा, मतलब कम आ रहा होगा। एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, दो तीन भी हो सकते हैं, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपके मार्क्स कम आए हों। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं? तो आपके पास एक चांस और है कि आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो। और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म अगर आप डाल देते होगे, मतलब डाल देते हो, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा विथ इन 1 month और कुछ डेज और मिल जाएंगे, मतलब 30-40 days के अंदर एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो इतने दिनों के अंदर आपका फिर से एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपके मार्क्स कम आए हों तो आप उसकी तरफ ज़रूर जा सकते हो, जाना भी चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा कम आए, क्योंकि सोचो आप लोग, एक चीज़ मैं अच्छा आपको समझा देती हूँ, अगर आपके मार्क्स 40 आए हुए हैं 80 में से, तो आप ऑप्ट कर सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर लोगे इन 30 days में, तो क्या कर लोगे, 40 से 50, 60 तो बना ही लोगे। अगर और स्मार्ट हो आप, और अच्छे हो पढ़ाई में, तो 70 बना ले जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपके पहले से ही 60 आए हैं और आपको उम्मीद है कि हाँ हम 65 तक कर लेंगे, तो भी चलो आप भर दो, क्योंकि ये है ना कि 10th की मार्कशीट आपके साथ हमेशा चलने वाली है, तो भी आप भर सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना कि आपने भर दिया और उससे भी कम मार्क्स आ गए, क्योंकि ऐसा भी कई बच्चों के साथ होता है कि आप लोगों के पहले तो यहाँ पे 60 लिखे हुए थे, दोबारा पेपर भरा तो 50 आ गए। तो सोच लो, पहले एक दिन का टाइम वेस्ट करो अपना, सोचो आराम से कि क्या आप 30 दिन फिर से वही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है जो ज़रूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि मन लगता है ना कि अभी कम मार्क्स आए हैं, हम ज़्यादा मार्क्स के लिए और पढ़ेंगे तो हमारे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे और अच्छे परसेंटेज बन जाएगा। तो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, आप पहले अभी बैठो और सोचो कि आप इन 30 दिनों में क्या दोबारा पढ़ पाओगे। सोचो, क्योंकि 11th class का जो सिलेबस होगा वो भी चल रहा होगा, तो या तो माइंड में टेंशन मत लो कि 11th का जो होगा देखा जाए, क्योंकि 11th वैसे भी ज़रूरी नहीं होती है, 12th ज़रूरी होती है और आपकी 10th ज़रूरी होती है। तो अगर आप इन 30 days को वेस्ट कर दे रहे हो, और वेस्ट तो नहीं होंगे क्योंकि आपकी मार्कशीट अच्छी हो जाएगी मैथ्स में या इंग्लिश में, मैं मैथ्स बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर कम आते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, SST, किसी भी सब्जेक्ट में आपके कम आए हो तो आप उस पर वर्क कर सकते हो और बिल्कुल इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि मुझको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे प्रॉब्लम ऐसी फेस करते हैं, क्योंकि मैंने एक आध दो बच्चों से पूछा है, बात की है, तो वो लोग बताते हैं कि जब मैंने ये फॉर्म भरा था तो सोचा था कि हाँ कर ले जाएंगे, लेकिन नहीं, उतना नहीं हो पाया, 60 आए थे 62 हो गए, तो 2 number में क्या ही हुआ, और 30 days भी अपने वेस्ट कर डाले थे मैंने, 11th का भी बैकलॉग हो गया, तो दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा। तो ये चीज सोच लो पहले मन में, ठीक है। और बहुत से बच्चों के माइंड में ये डाउट भी आ रहा होगा कि हम अपनी आंसर शीट रीचेक कराए या नहीं कराए। तो सबसे बड़ा डाउट आज क्लियर कर देती हूँ मैं, कि आप पहले माइंड में ये सोचो कि आपको मार्क्स कितने मिले हैं, कि हर चीज उसी पे मार्क्स पे डिपेंड करती है ना। आपने 80 का किया था, आपको 40 मार्क्स मिले हैं, लेकिन पेपर हमारा गया था 70 का, मतलब आपके कम से कम जितने मार्क्स आए उससे 10-15 मार्क्स ज़्यादा का तो जाना ही चाहिए पेपर, तभी कॉपी रीचेक कराओ। पता चला आपके 40 आए थे, मतलब 40 आए थे, आपने रीचेक करा दी, इसके बाद 35 ही बचे। वरना ऐसा होता नहीं है, 1-2 marks तो जैसे बढ़ जाता है या कम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है जिनके मार्क्स इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि मेरे जब मैंने अपना 12th किया था तब एक बच्चे ने चेक कराया था, रीचेक कराया था, तो उसकी 3% इंक्रीज हुई थी, 3%।
तो वही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप पहले खुद सोच लो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया था और मार्क्स बहुत कम आए हैं। लाइक पेपर 70 का गया था, मार्क्स आए हैं 35-40। अगर आपका एग्जाम 70 मार्क्स का आपने दिया था और लेकिन मार्क्स आए हैं सिर्फ 40, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है कॉपी चेक होने में, तो प्लीज जाओ जाओ आंसर चेकिंग की तरफ, क्योंकि हाँ मार्क्स बढ़ जाते हैं, लेकिन वही है जब पेपर ही गया हमारा 50 का, मार्क्स आ गया 40, शांति से बैठ जाओ। कि ऐसा होगा ना कि पता चला दोबारा चेक कराने गए, ज्यादा तो आए नहीं और कम हो गए, फिर क्या होगा, है ना। तो वही बताने जा रही हूँ। हाँ, क्योंकि पैसे भी लगेंगे ना, ऐसे फ्री में तो दोबारा चेक करेंगे नहीं, वो कुछ पैसे भी लेंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, तो मेरे को लग रहा था कि मेरे मार्क्स कम है, ऐसा था कि मेरे 89 मार्क्स आए थे लेकिन मेरा पेपर 96 मार्क्स का गया था, ऐसे मतलब मैंने सोच रखा था कि 90 से ऊपर तो पक्का ही आएंगे, लेकिन अब 89 आए थे। तो अब मैं इस चीज़ के लिए क्या करती, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया, 89 ही बहुत है, खुश थी मतलब मार्क्स से। तो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, अगर आपके मार्क्स ओके हैं, जितना सोच रहे थे उससे 4-5 कम है, 6-7 कम है, तो मत जाओ। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम चीजों को सही सोचते हैं लेकिन वो सही होती नहीं है, तो फालतू में क्यों वेस्ट करना पैसे। मतलब अब पैसे की तो बात बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये है मार्कशीट अच्छी हो गई तो आप फिर पैसों की क्या है, पैसे तो दोबारा आ जाएंगे। मार्कशीट एक बार अच्छी बन गई तो अच्छी बन गई। तो आप लोग पहले ये सोचो कि हाँ क्या हमारा जो पेपर गया था और जितने मार्क्स आए हैं क्या उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कम से कम 10 मार्क्स का तो डिफरेंस हो तो लेके चलना, ठीक है, तो ही इम्प्रूव हो जाते हैं मार्क्स, ठीक है। अब अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, या मार्कशीट में क्या होगा अगर हम इम्प्रूवमेंट भरेंगे नहीं भरेंगे, इससे रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप मुझको कॉमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बता दूंगी या तो उस पर एक वीडियो बना दूंगी। तो वैसे मैं डेली कुछ ना कुछ अमेजिंग वीडियो बनाती रहती हूँ, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। पता नहीं क्यों मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही नहीं है, मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा तो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूंगी। और क्लास 10th जो बच्चे अभी इस बार क्लास 10th देना चाहते हैं उनके लिए भी स्ट्रेटजीज डालूंगी और 11th के लिए भी डालूंगी। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।